भ्रष्टाचार बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो, अपराधियों को। ललितपुर जनपद के मेहरौनी तहसील के किसानों की फसल बर्बादी के बाद सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया था। अपने मुआवजे की बाट जो रहे इन किसानों पर अब भ्रष्टाचार का कहर टूट पड़ा है। उप जिला अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित चेक ग्राम प्रधान द्वारा अपात्रों को दिए और 1,000 रुपये देकर पैसा वापस ले लिया गया। हमारे गांव में चेक नहीं मिले, कौन हूँ आदमी हूँ काहे का चेक जे सूखा राहत की हमारा अभी नहीं मिला है। फर्जी आदमन ने भंजा ले, प्रधान ने भंजवा ले, जी के नाम जमीन भी नहीं थी उनके, उनको दे दे चेक उनसे भंजवा ले। कितने रुपए के चेक? अब जा हम पढ़े लिखे नहीं है, 30,000, 32,000, 21,000, 29,000, 28,000 सब बनी भंजाए और 1,000, 1,500, 1,000, 1,500 दे हैं। उल्टो हमें 4 लाख कर्जा भी देने हैं। 4 लाख को हमारा किसान कार्ड बढ़ गया है, 6 साल से हमने भर ही नहीं पाया है, सूखा पड़ गई, कहूँ चिंता पड़ गई। मेरे अघोरा पंचायत में जो ग्राम प्रधान है और जो तहसीलदार है, ओलावृष्टि का पैसा था 2015 का, मतलब 2-3 साल से सूखा पड़ी हुई बुंदेलखंड में, 31,968 रुपया का चेक था जो मतलब ले चुके हैं, जिसमें से 1,000 रुपया प्रधान ने गांव वाले जिसको चेक मिला है उसको दे दिया है और 31,068 का चेक अपने पास रख लिया है। और जो गांव वाले कार्रवाई कर रहे हैं तो उसके बारे में ना कोई सुनता है, ना जिला लेवल पे कोई सुन रहा है, ना तहसील में कोई सुन रहा है। और जो गांव के जो 29 लोग हैं उन सबों ने पैसा निकाल लिया है, जो अन्य लोग हैं उनका पैसा निकला ही नहीं है। आज हमारे गांव में तहसीलदार भी आए थे तो तहसीलदार ने अपने तौर तरीके से मतलब अपनी मनमानी से मीटिंग की और हमारे गांव वाले कोई सुनी नहीं, हम लोग बोल रहे थे हम लोग को चुप करा दिए। और यहां के लोग इतने डरे हुए हैं कि कोई बात ही नहीं करता है अफसर से, बैकवर्ड एरिया है, कोई जानता ही नहीं है कि हम किससे कैसे बात करें। सभी लोग बृहद किसानों के लिए मैं मुआवजा चाहता हूँ जिनको नहीं मिला है, और दोषियों को मैं सजा चाहता हूँ जिनने चेक निकाला है, जो तहसीलदार थे, जो ग्राम प्रधान था, उसके लिए मैं निर्णय चाहता हूँ उनको भी सजा मिलना चाहिए। मैं और मेरा समुदाय चाहता है कि इस पूरी मामले की उच्च स्तरीय जांच हो और किसानों को, पीड़ितों को मुआवजा और दोषियों को सजा मिले। इस वीडियो को देखने वाले आप सभी दर्शकों से हमारी अपील है कि आप लोग ललितपुर जनपद के DM के मोबाइल नंबर 94,54,75,49 पर फ़ोन करके दबाव बनाएं ताकि इस घोटाले की निष्पक्ष जाँच हो। मैं शंकरलाल, बुंदेलखंड क्षेत्र ललितपुर से, इंडिया अनहर्ड के लिए।